प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मालदीव दौरे के बाद वहां से भारत के लिए एक खुशखबरी आई है, जिसमें मालदीव और चीन के बीच हिंद महासागर में वैधशाला बनाए जाने का समझौता टूट सकता है। आपको बता दें कि मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के नेतृत्व में मालदीव की चीन से नजदीकियां बढ़ी थी। उसी दौरान चीन द्वारा वैधशाला बनाए जाने की संभावना और समझौता होने की बात सामने आई थी। हालांकि सत्ता बदलने और राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह के पद ग्रहण के बाद दोनों देशों के रिश्तों में फिर से खटास आ गई है, क्योंकि मालदीव अब फिर से भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत करता दिख रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 में यामीन ने चीन के साथ प्रोटोकॉल ऑन इंस्टैब्लिशमेंट ऑफ ज्वाइंट ओशन ऑब्जर्वेशन स्टेशन बिटवीन चाइना एंड मालदीव्स नाम का समझौता किया गया था। यह समझौता चीन को उत्तर में मालदीव के मकुनुदु में एक वैधशाला बनाने की अनुमति देने के लिए था, जिसके कारण भारत की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई थी। हालांकि अब इस समझौते पर चर्चा रुक चुकी है। अगर यह समझौता होता तो चीनियों को हिंद महासागर के महत्वपूर्ण रास्ते पर अहम अड्डा मिल जाता, जिसके जरिए कई व्यापारिक और दूसरे जहाजों की आवाजाही होती है। यह भारत की समुद्री सीमा से बहुत करीब होगा और मालदीव के साथ संबंधों के मद्देनजर यह बहुत चुनौतीपूर्ण साबित होता। इस समझौते को लेकर यामीन सरकार ने कभी पुष्टि नहीं की। हालांकि पहली बार इस बारे में खबर सामने आने के बाद चीन ने स्थिति साफ करते हुए कहा था कि वैधशाला का उपयोग सैन्य उद्देश्यों के लिए नहीं है। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल punjabkesari.com को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि पल पल की खबरों के अपडेट्स आपको मिलते रहें। अभिषेक माथुर, पंजाब केसरी, दिल्ली।